गुजरात में चुनाव होने हैं साल के अंत में और सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी नजर आ रही है। कांग्रेस, आप और भाजपा के बीच तगड़ी टक्कर देखने को मिलेगी इस बार। लेकिन इस बीच कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की पत्नी किंजल वीरमगाम विधानसभा के गांवों में हार्दिक के फोटो छपी नोटबुक बांट रही है, वहीं लोगों से जनसंपर्क भी कर रही है। उधर कई पाटीदार संगठन हार्दिक का खुला विरोध भी कर रहे हैं। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के अगुवा रहे हार्दिक पटेल के साथ ही ओबीसी आरक्षण आंदोलन करने वाले अल्पेश ठाकुर एक बार विधायक चुने जा चुके हैं। उधर दलित राजनीति से अपनी पहचान बनाने वाले जिग्नेश मेवानी हाल विधायक हैं। हार्दिक ने भी विधानसभा अथवा लोकसभा में पहुंचने को लेकर अपनी इच्छा को नहीं छिपाया। 2017 के चुनावों में उनकी उम्र कम थी, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करे उससे पहले ही उन्हें विसनगर आगजनी मामले में 2 साल से अधिक की सजा हो गई थी, जिसके कारण चुनाव नहीं लड़ सके थे। उच्चतम न्यायालय की ओर से सजा पर रोक के फैसले के बाद अब वे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में पत्नी किंजल उनका पूरा साथ दे रही है। संभवतः वो कहीं ना कहीं अहमदाबाद जिले में अपने गांव वीरमगाम सीट से चुनाव लड़े। उनकी पत्नी इस क्षेत्र के गांवों में जनसंपर्क कर रही है तथा छात्र छात्राओं को हार्दिक के फोटो छपे नोटबुक भी बांट रही है। किंजल परीख ने जनवरी 2019 में हार्दिक से शादी की थी। हालांकि भाजपा की ओर से ये पहले ही साफ किया जा चुका है कि टिकट का फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा तथा केंद्रीय आलाकमान जो सूची पर मोहर लगाएगा उनको ही टिकट मिलेगा। गौरतलब है कि कांग्रेस इस्तीफा देने के बाद जून 2022 में ही हार्दिक भाजपा में शामिल हुए। सरदार पटेल ग्रुप, अनामत आंदोलन समिति के अलावा कई पाटीदार संगठन हार्दिक के चुनाव लड़ने के खिलाफ है। उनका कहना है कि हार्दिक अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए ही भाजपा में शामिल हुए, उसके कारण ही पाटीदार समाज के 14 युवकों को अपनी जान खोनी पड़ी। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि बीजेपी में शामिल होने से क्या हार्दिक पटेल को फायदा मिलता है या नुकसान, क्योंकि इस समय गुजरात का सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ है। अभी तक लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सत्ता में पेट से बहुत ज्यादा सियासत कहीं ना कहीं उछली है गुजरात चुनाव से पहले। क्या लगता है गुजरात चुनाव में किसकी जीत होगी? अपनी राय खुलकर कॉमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।